पक्का जी कौन सा तू घर से ने पक्का राधा चाची ले 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 मंजू चाची ले 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 ओहो दगड़ियो गुड मॉर्निंग। पहला कैसा आप सभी लोग, आई होप कि सभी बढ़िया होंगे। तो दगड़ियो मैं विशाल रावत उत्तराखंड अल्मोड़ा से स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी फिलहाल दगड़ियो सुबह के 8:30 बज चुके हैं और 8:30 बजे से आज को ब्लॉग ही बनाना मैंने शुरू कर दिया है ना। और सुबह से आज भी आसमान में बादल ही छा रखे हैं। कल शाम को बारिश भी हुई थी काफी तगड़ी वाली, लेकिन अभी बारिश थम चुकी है फिलहाल, लेकिन आसमान में बादल लगे ही है और चारों ओर कोहरा भी लग रखा है। दगड़ियो उच्चे उच्चे डान का नान का है ना, तुम देख सकते हो। ये देखो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आसमान में बादल छा रखे हैं। और जो हमारे दगड़ियो हमारे टेलर साहब अभी जा रहे हैं ग्वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर बकरियों के लेके। बाय बाय। ओके ये देखिए आप, ये है ना। तो गाँव के दोस्तों जो अभी ग्वाला जाने वाले लोग हैं वो ग्वाला चले गए हैं, बगल वाले बहू भी चले गए हैं, बबली दी भी चले गई है ना। और जो घसार है वो घास काटने के लिए जा रखे हैं। तो गांव अभी दगड़ियों लगभग आधा खाली हो रखा है ना। वैसे आपको पता है कि हमारे गांव में बहुत कम लोग हैं है ना, अभी तो मतलब 80% लोग तो गाँव से मतलब जंगलों में ही गए हैं। यहाँ पर देखो ना गमलों में कितने प्यारे प्यारे फूल खिल रखे हैं, ये देखो ये है ना। जब से गमले लगा रखे हैं मतलब तब से फूल सूखे भी नहीं है, सूख रहे हैं, झड़ रहे हैं, फिर दोबारा खिल जा रहे हैं। मतलब जब से मैं आपको अपने छत के गमले दिखा रहा हूँ ना, तब से आपने गमले खाली नहीं देखे होंगे, बिना फूल के तो बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे है ना। ये देखो ये तब से इसमें परमानेंट फूल खिले ही हैं। लेती है ठंडी ठंडी आहे यो हिलवाण पट्टी, अरे दे 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 दे, अरे 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 आओ जाओ 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 जाओ, लो 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 लो, ये देखो सब साथ में आ गए। अब क्या कभी बचपना चल रहा है ना, देखो कितने प्यार से खेल खेल रहे सब साथ में। ये देखो चाहे इंसान हो जानवर हो खेल तो वो भी खेलते ही है ना। ये देखो इनका खेल देखो, अरे छलांग देखो ये को। आ गई दोस्तों मम्मी घास लेके। तुला चाणा आरछी क्या वो मम्मी का उन्हें आओ उन्हें पछिन बोने टांग का तलीगर चिटेला। मैं जा रहा हूँ पार ताई जी के वहाँ छाछ लेने के लिए है ना। आपको पता ही है दोस्तों हमारी भैंस तो अभी दूध देती नहीं है, तो छाछ हम पार से ही लाते ताई जी के वहाँ से, क्योंकि अभी उनकी भैंस देती है। शायद हमारे गांव में एक दो लोगों की भैंस ऐसी है जो अभी आप दूध देती है, तो उनके वहीं से हमारा छाछ लाना होता है ना। कुछ टाइम बाद फिर उनकी भैंस दूध नहीं देगी तो फिर वो हमारे वहाँ आएंगे दगड़ियो छाछ लेने के लिए। मतलब ऐसे होता है दगड़ियों गाँव घरों का आपको पता ही होगा है ना। जैसे गर्मियों के टाइम पे उनकी भैंस दूध देती है तो हम उनके वहाँ से छाछ ले आते हैं, और ठंडे के टाइम पर अगर हमारी भैंस दूध देती है तो वो हमारे वहाँ से ले जाते हैं है ना। मतलब ऐसे करते करते मतलब साल भर मतलब परमानेंटली हमारा काम ऐसे चलता रहता है ना। तो अभी फिलहाल मैं ताई जी के वहीं जा रहा हूँ छाछ लेने के लिए। पुष्प रास्ता हो जाइए घर में। बाकी यहाँ पर देखो ये गधेरे का पानी है। ये घतेरा कुछ टाइम पहले तक सूख रखा था, अब चौमास के महीने में देखो ये ऐसे घतेरों में भी पानी आता है परमानेंट। ये यस हरी दकड़ियो पहाड़ ना हाल समाचार छानियो। और इधर लकाड़ा काट भी कहली धर रही हो, देखो यो लकाड़ा जुगाड़ कर रही है। मैं सना पुंडी जी आम ना तोड़े ली, ये पूरे आम आम का छापन लग रखा था कुछ समय पहले तक, लेकिन अब ये ताऊ जी ने ये आम को भी बेच दिया। कौन खाएगा इतना। यहाँ पर पार आने के बाद मेरे को मिल चुकी है एक कप चाय, वो भी स्टील वाले कप में। आप देख सकते हो, देखो ना कितने प्यारे कप है ताई जी घर में, स्टील वाले कप है, हैंडल भी है अभी इसमें पकड़ने वाला गर्म ना हो करके ये। और साथ में दोस्तों मेरे को मिल चुका है बन, अल्लाह खान दियो फिर दोस्तों आज ताऊजी के घर में बन रही है गप की टपकी। आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े गप तोड़ के ला रखे ताऊजी, और उसी खेत से आप देख सकते हैं 4-5 पत्ते ताऊजी तोड़ के ला रखे हैं, और ये पत्ते इतने बड़े हैं कि पूरे गांव वालों का हो जाएगा, इसमें पूरी गांव वाले की टपकी हो जाएगी। देखो ये बाप रे, चलो सही है बढ़िया है, झोली भात और टपकी। और आज हमारी भी शायद झोली भात और टपकी बनेगी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर छाछ लेने के ला रखा हूँ ना। ये जिसके बाहर से चिक्कन निकलते हैं इनको अलग कर देते हैं ना, बाकी अंदर अंदर का नहीं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये बाहर के शी छिकला पकोना जब फिर न पाकन के। अच्छा अच्छा कोकाल लगे ली। अच्छा थोड़ा हो जाएगी तो। हाँ हाँ थोड़ा हाँ निकालनी। हाँ अच्छा ये बताओ जो ये गाँव के पत्ते होते हैं ना, ये सारे पत्तों की टपकी थोड़ी बनती होगी।
उनमें भी वो पत्ते सिलेक्ट करने पड़ते होंगे ना, जैसे तुम्हारे खेत में पत्ते तो सारे पत्ते सेम ही तो लग रहे हैं ये, लेकिन पता कैसे चलता है कि मतलब कौन से पत्ते की टपकी बनेगी? इस टाइप के होते हैं। अच्छा ये बड़े हो गए ना, ये फैल गए अब। हाँ इसका ही बनेगा, इसका ही बनेगा। हाँ मतलब वैसे पता कैसे चलता है, अब जैसे तो पूरे खेत में पत्ते लग रखे हैं, उनकी टपकी नहीं होगी ना, और उन्हीं खेत से तुम ला रखे हो चाय बेर मतलब कैक जो टपकी बड़े कबेर ने जो कोमल कोमल हरी। अच्छा ये मेरे को लगता था कि इनके पत्तों के हिसाब से भी ना, जैसे ना और पत्ते हैं वो खेत में तुम्हारे ना, वो पत्ते डार्क ग्रीन कलर के हैं, ये है लाइट वाले। चलिए फिर दोस्तों चलते हैं घर को, बाकी ये छाछ की बाल्टी ले जाता हूँ मैं घर को, और रास्ते में जाते हुए आपको दिखा के जाता हूँ। ताऊजी ने दगड़ी यहाँ पर गदवे भी लगा रखे हैं, ये आप इनमें फूल देख सकते हैं, कुछ टाइम बाद दोस्तों इसमें गदवे भी लग जाएंगे और गदू खा के ताऊजी शानदार गन पा देंगे दगड़िया। फिर अम्मा का स्टाइल देखो ना, क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये चाय पीना हाथ में चीनी टुपुक ले वेर है घोल वेर ना खानी क्या मो आज हमारे घर में जो टपकी बन रही वो है भिंडी की, और क्या है मम्मी बैंगन की, शिमला मिर्च की। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेरी माता सब्जी काट रही है। पकड़ बाहर आ गई रे गुड़ा के, पकड़ पकड़ बानर आ गई दगड़ी, बानर और गुण दिया आगे हम आम खानी मकट्ठा और एक लट्ठी ले जाऊं मारो चलना झल में एक पकड़ 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 पकड़। आज आ रही दगड़ी मस्त गुणी, और दिन बानर हो चाहे गुणिया जी पकड़ 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 यो 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 देखो यो देखो यो देखो पकड़ 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 मैं भाभी में ओहो ओहो यो देखो गुणियों पकड़ 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 हाँ यो आगो कलू आगो कलू आगो कलू बुखा पकड़ आहारे गुणियो गुड़ी बानर भजे पेड़ दगड़ियो ये चीज़ तो फैल जा के जब पत्ते तो मन के आम नक पाकी आम नक गुले है ना, तुम्हें घर पे कट्ठे ले आ रही, ये देखो ये कट्ठे जरा ही मैं पाँच सात दाण पाकि आम छन और पाँच सात दाण कच्चा आम छन, अलग घर जाबे देखो तुम मन का आम कशी पाक रहो ने अलग घर जाबे काटू माल तक खाए गुणिल देखो दगड़ियो मगर ये फायद करा रहा हो। बाकी दगड़ियो हमारी झोली बनके भी रेडी हो चुकी है, थोड़ी देर में हम लंच करते हैं। दोस्तों मैं अपने फायदे के लिए तो गया था, लेकिन आपको दिखाता हूँ अंदर से आम कितना टेस्टी है, मैं एक बार इसको खोल तो खोल तो हाँ अलवेर आम हर जगह खराब छन के ये तो बढ़िया यार एक गलत छू दोस्तों यहाँ पर देखिए आप दोनों भाइयों को बुक्या बुक्या और दोनों पट्टी पट्टी को देखो, दोनों अपने अपने जोड़े में बैठ रखे हैं, दीप पाठ दीप बुकी। अब एक तो नजर मना उन्होंने कहा खुट पड़ जा लो नर पिता भान निकल जाल हैं, ये देखो इनको पता है मैं इनका व्लॉग शूट कर रहा हूँ, दोनों की नज़र देखो सीधा कैमरे के सामने आ, अरे यार खतरनाक है यार ये वाला है, ये तो देखो अच्छा पोज देखो अरे यो गजब।
और इस बकरी की आंख देखो, जेने दम पीवे चढ़ रहा हूँ। बुकुआ दोस्तों, अभी फिलहाल शाम के 4:30 बजने वाले हैं और बाकी वैशाली और सभी बच्चे आ गए हैं स्कूल से। तो दोस्तों, मैं सोच रहा था, काफ़ी लंबे टाइम से ना मैंने डांस कवर शूट नहीं कर रखा अपने चैनल के लिए, है ना। पहले आप देखते होंगे कि मैं डांस कवर के साथ ही साथ व्लॉग भी डाला करता था एक जमाने पहले, लेकिन आजकल मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो आज सोच रहा हूँ कि मैं एक और डांस कवर आज शूट कर लूँ करके, वैसे एक नहीं दो सोच रहा हूँ, एक वैशाली का एक अपना डांस कवर शूट करने का, है ना। सोच कर रहा हूँ, मतलब कर ही लेता हूँ मैं। और बाकी दोस्तों, मेरा गेटअप तो ये सिंपल सा ही रहता है हमेशा की तरह, और वैशाली का गेटअप दिखाता हूँ कि वैशाली ने कैसे कपड़े पहन रखे करके, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आज वैशाली ने पहन रखी है रेड कलर की साड़ी, और ऊपर को आप देखोगे तो ये पिछौड़ा और ये यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। थैंक यू। ये देखो, यू टू। थैंक यू। मैं क्यों हूँ स्मार्ट यार? वही कपड़े हैं मेरे पास, है ना, जो मैं पहनता हूँ रोज़ व्लॉग बनाते समय भी। लेकिन इसका तो यही कि डांस कवर बनाते समय साड़ी पहनती है, है ना। और वैसे भी वो डांस कवर जो उसके लिरिक्स है, वो बोल भी वैसी टाइप के है ना, तो उस हिसाब से गेटअप भी चाहिए। बाकी एक डांस कवर मैंने भी अपने लिए सिलेक्ट कर रखा है, एक गाना डांस कवर बोल रहा हूँ, एक गाना मैंने भी अपने लिए सिलेक्ट कर रखा है, एक इसके लिए एक अपने लिए, है ना। तो चलिए फिर अब शूट करते हैं हम जल्दी से, बाकी अभी 4:30 बज गया है तो आधा एक घंटा लग जाएगा। बैठी हुई है सब यही है, लेती है ठंडी ठंडी आहें, ये रास्ता यूं हंसी है, आसमां भी जैसे अजनबी सा हो के। रीली बना लिया है ना, डांस कवर भी शूट कर लिया, रीली बना ली, बस हो गया हमारा काम। बाकी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन माई व्लॉग्स एंड डांस कवर्स, ओके, थैंक यू सो मच। और अब मेरे को नहाना भी है दोस्तों, अब मैं नहाऊंगा पहले, है ना, क्योंकि नाचते नाचते ना पूरा पसीने से पूरी टी शर्ट फुटफुटान हो गई मेरी। पहले मैंने ब्लैक वाली शर्ट पहनने की थी, वो भी नाचते नाचते पूरी गीली हो गई थी पसीने से, और इसमें से भी अब बास जैसे आने लग गई है पसीने की, है ना। मैं नहा लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों, यहाँ पर रिंकी दीदी भी आ रखी है अल्मोड़ा से, है ना, जो ताई जी और ताऊ जी यहाँ पर खवा डागन कर रहते हैं, ये इनकी नातनी है, और ये कल को अल्मोड़ा वापस आ रही है दोस्तों, यहाँ से आम ले जा रही है एक दो कट्ठे, तो तन्नू को बुलाने के लिए आ रही थी लिगुड़ता में, चल आम के कट्ठे छोड़ने जाते करके। रिंकी दीदी, पहले तुम्हें पहला ठीक हो, क्या लेने आए थे? आम। अल्मोड़ा में नहीं होती ना तुम्हारे वहाँ? एक तो ठंडी जगह है, वहाँ क्या होता है तुम्हारे वहाँ? मतलब कुछ ऐसी चीज जो मतलब यहाँ से ज्यादा होता है, बाल मिठाई ज्यादा होती है वहाँ। नहीं, वो भी खरीदनी पड़ती। नहीं, खाने के लिए बोलना जैसे खेतों में ना क्या होता है, मतलब वहाँ किए ना भाई, मतलब सब यहाँ बेटी का जाना है। तो कितने कट्ठे ले आ रहे फिर आम के? दो कट्ठे, एक मैं ले जाऊंगी, ये तनु जलता। आ बाप रे, मतलब होगा चाहिए, अभी पके भी होगा तो तुम्हारा ही वो दो कट्ठे। कितने कितने किलो के? ठीक है, ठीक हो गया फिर, चलो। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं बबली दीदी का फर्स्ट क्लास स्वरोजगार चल रहा है यहाँ पर, है ना। और हाँ, आपको एक बात और बतानी थी दोस्तों, जहाँ मैंने स्कूल पढ़ा है ना, GIC नौगांव में, वहाँ की ड्रेस अब चेंज हो गई है। पहले आपने देखा होगा कि ब्लू कलर की शर्ट और खाकी पैंट थी, हाँ अब बदल गई है। अब दिखा दे एक बार कौन सी ड्रेस है। पहले तो ये वाली थी, ये ब्लू कलर की, ये मैंने भी यही पहनी थी, हमने भी यही पहनी थी, इसके साथ वो व्हाइट ये था, हाँ व्हाइट पैजामा ने व्हाइट दुपट्टा था, और ये वाली हाँ बढ़िया है, ये भी स्काउट ड्रेस जो छीनू उसने चल गई ना, हाँ दिखा दिखा सूट दिखा, हाँ अब स्काउट ड्रेस हाई स्कूल में जाने अब ये वाला कलर हो गया, हाँ ब्लू पैजामा, ये बबली सीनरी है भी इसका। ये घर में एक टेलर भी हो जाए ना तो मतलब थोड़ा बच जाता है अपना खर्चा पानी है। और बाकी आप तो इसने दूसरे के कपड़े भी सिलने शुरू कर दिए हैं, तो हमारे आसपास के इलाके की भी जितने भी लोग हैं, किसी को भी अपने सूट सलवार प्लाजो वलाजो कुछ भी सिलाना हो तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। दिल्ली से जी के आई है, हाँ ये 4-5 महीने दिल्ली गई थी ना घूमने के लिए, नहीं गई थी काम सीखने के लिए गई थी, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्द इनकी शादी भी होने वाली है, तो ब्योल के करूँ कॉस्ट्यूम के करूँ कभी ना, ब्योल दगड़ियो टेलर छू, है ना, हाँ ब्योली का खावा ना चाहे तो टेलर छू, और ठीक लो छू ने अगर ठीक है किसी काम में तो एक्सपर्ट होने है ना, किसी ना किसी काम में अगर एक काम में एक्सपर्ट हो तो क्या चाहिए। जब कल के दिन आप किसी घर में चली जाएगी, वहाँ पर टेलर का काम भी करती है, पैसे कमा के देती है, तो और क्या चाहिए, सास ससुर गए, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगी। तो चक्की से चल रहे हैं, आवाज कैसी आ रही, कितनी खतरनाक आ रही है यार,
जैसे चक्की चला रहे बदेर कोई मली कोई जो उल्लो बस उड़ने लो जब वो कुन्यो लिया बबली आठ इंच चक्की लगा लिया। अरे नहीं, जब मैं दिल्ली गई थी ना इन लोगों ने पता नहीं धूप में रखी भी नहीं और चलाए भी नहीं, शायद 5 महीने बन रही है तो अभी पता नहीं क्या कर रही है ऐसा है। हाँ जड़ी चक्की चल रहा है वो आवाज ने। तो दोस्तों शाम के 7:30 बज चुके हैं और सब्जी बन के हमारी रेडी हो चुकी है। सब्जी बन रखी है आज हमारे घर में दोस्तों भिंडी की, है ना, और अभी रोटी नहीं पक रखी है, रोटी भी पकाने में टाइम है थोड़ा सा, तो अभी मम्मी रोटी बनाएगी और बाकी यहाँ पर कुकर में मम्मी ने रख रखी है अमखाड़ की चटनी बनाने के लिए। अमखाड़ चटनी में गोभर भी अच्छा, ये देखो अमखाड़ की चटनी बन के रेडी हो गई है, मैं कल खाऊंगा सुबह जब ठंडी हो जाएगी, गर्मा गर्म उतनी मजा नहीं आता है ना, ठंडा अच्छा लगता है जी। तो आज के इस व्लॉग को फिलहाल यहीं पर एंड कर देते हैं आप, है ना, लाइट भी नहीं है, ये इमरजेंसी वाली लाइट जग रखी है ये, है ना, बारिश के कारण लाइट भी चली गई, पता नहीं कब आती है। तो आज के इस व्लॉग को फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नई दिन की नई शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय बाय।